हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ब्यूटी किरण एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 29th of July और आज है मेरी ब्रेसेस टाइटनिंग, वो भी वन ईयर। मेरे ब्रेसेस को वन ईयर हो चुका है और बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि आपने जो टाइम ड्यूरेशन बताई थी वो थी सिर्फ 8 to 9 months, तो आपका वन ईयर क्यों ट्रीटमेंट चला। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगी और हाँ, आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा और मैं आपके बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, देन चलिए टाइटनिंग के लिए चलते हैं। दोस्तों, मुझे ना आज थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरा जो फेस है उस पर स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आ रखी है इस साइड में, क्योंकि मेरा अल्सर निकला हुआ है। यू कैन सी दिस, इतना बड़ा ये अल्सर निकला हुआ है और इसकी वजह से मुझसे ना तो कुछ खाया जा रहा है और ना ही ठीक से बोला जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेरा ये वाला होंठ जो है वो पूरी तरह सूजा हुआ है। ये मेरा ब्रेसेस के कट्स की वजह से है, तो जो भी ब्रेसेस वेयर करते होंगे उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको एक जेल भी रिकमेंड किया था, बट ये जो यहाँ का दिख रहा होगा, ये जो एक हेड निकला हुआ है ये बार बार इसके अंदर घुस रहा है और जिसकी वजह से बार बार कट जाता है और ये ठीक नहीं हो रहा। 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैं अब इस पर कुछ कॉटन वगैरह लगाऊंगी जिससे थोड़ा ठीक हो जाए। टाइटनिंग के पहले के कुछ क्लोजअप्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई। मेरी जो लास्ट सरप्राइज अपॉइंटमेंट थी, जैसे कि आपने देखा होगा गाइस, प्लीज़ मुझसे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरा मुंह बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं आपको दिखाती हूँ क्या प्रोग्रेस हुई है। ये जो मेरे दाँत हैं, ये वाले अपर टीथ, ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं इन हैंड्स की वजह से। यू कैन सी मेरे लास्ट अपॉइंटमेंट में मेरे डॉक्टर ने ये बैंड्स लगाए थे जिससे कि मेरे जो ये वाले केनाइंस है ये पीछे जा सके। उसके बाद वो मेरे फ्रंट ये फोर टीथ जो हैं इनको पीछे लेकर जाएंगी। ओके, तो देखते हैं आज के टाइटनिंग में क्या होता है। एक तो वैसे ही मेरा मुंह में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और बाकी टाइटनिंग का दर्द, सो लेट्स सी होता क्या है। ओके, चलिए चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा ही दूँगी। एड्रेस वगैरह आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी। ओके, देन चलते हैं, बाय बाय। गाइस, मौसम तो बहुत अच्छा है बाहर, बट एज यू कैन सी कितना ज़्यादा शांत वातावरण है चारों तरफ, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और एक तो मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्लिनिक पे जाऊंगी बाय ऑटो, तो मैं ऑलमोस्ट ऑटो के पास पहुंचने वाली हूँ। बस ऑटो में बैठकर मुझे सिर्फ क्लिनिक पे उतरना है, तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं यहाँ अभी लोकल कॉलोनी में हूँ अपने यहाँ की, तो बस रोड आ गई है और मैं ऑटो में बैठने वाली हूँ।
साल हो गया,